हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं छोले कुलचे। छोले कुलचे सबको पसंद होते हैं। छोले कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 3 कटोरी मैदा। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे कुलचे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें 3-4 स्पून दही ऐड करेंगे, 2 स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट सडो बनाकर रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद इसको हम कवर करके रखेंगे। इसको हम 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए फिर हम छोले बनाने की तैयारियां करते हैं। इसमें हमने ली है 1 कटोरी इमली, 1-2 कटोरी पानी। इसको अच्छे से मिक्स करके इमली को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। बॉईल हो जाए तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके छलनी से छान लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे छोले का टेस्ट और बढ़ जाएगा। छलनी से छाने के बाद इसमें 1 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले के लिए लेंगे हम थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची, हरा थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा लहसुन। इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे। जो हमने इमली का पानी बनाया था उस इमली के पानी को भी इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे छोले में थोड़ा सा तीखापन, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, जिससे छोले और भी टेस्टी हो जाएंगे। चलिए, हमारा खट्टा मीठा पानी बनकर रेडी है। हम छोले के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। उसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने छोले को पहले ही बॉईल कर रख लिया था। इसमें हम ऐड 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था वो ऐड कर लेंगे और इसमें डालेंगे खट्टा मीठा पानी। इसको एक ग्लास की सहायता से हल्के हल्के हाथ से मैश कर लेंगे। ज़्यादा मैश नहीं करना है हमें। छोले बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 हरी मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारे छोले हमने रेडी किए थे वो छोले ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और हमारे छोले बनकर रेडी हैं। चलिए अब हम बनाते हैं कुलचे। कुलचे के लिए जो हमने डो रेडी किया था हम उसको एक बार फिर से मसाज दे लेंगे और छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इसको बेलने से पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। इसको जिस शेप में देना चाहते हैं उस शेप में बना लेंगे। इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा से काले तिल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। फिर हम इसके पीछे की साइड पानी लगाएंगे और हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। इसके चारों तरफ हम पानी छिड़केंगे। इससे क्या होगा, हमारे तवे का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। अब हम इस पर बटर लगा के कुलचे को अच्छी तरह से सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और हमारे कुलचे बनकर रेडी हैं। चलिए आइए, कमेंट में बताइए हमारे छोले कुलचे की रेसिपी आपको कैसी लगी।